There is no path to happiness. Happiness is the path. There is no path to happiness. Yes, happiness is the path. So, no path to happiness. Happiness is the path. ठीक है. So, इसका हिंदी क्या है? प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है. क्या what they want to ask you through this? हाँ, एक एक करके यस. हाँ, ओके, यस. हाँ, यस. क्या आता है दिमाग में इसको देख के? यस, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस शुड नॉट बी द एंड गोल, है ना. हैप्पीनेस लाइक द पॉइंट इज कि वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली थिंग्स, है ना. वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली थिंग्स, बट इट हैप्पीनेस इज नॉट देयर. हैप्पीनेस इट्स अ प्रोसेस. ठीक है, ये कोई अपने आप में एक एंड गोल नहीं है, है ना. सो देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस. इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्पीनेस को यहां पे दे आर इक्वेटिंग हैप्पीनेस विद अ गोल. ठीक है ना. यहां पे ये जो है नो पाथ टू हैप्पीनेस, इट इंप्लाइज कि हैप्पीनेस को दे आर टेकिंग हैप्पीनेस एज अ गोल, हैप्पीनेस एज अ डेस्टिनेशन. कि ये करेंगे, आईएएस बन जाएंगे तो भैया लाइफ सेट हो गई, सबसे ज्यादा खुश हो गए. ठीक है, हम ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, बस लाइफ सेट हो गई, हम खुश हो गए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट कि इट इज सेइंग, इट इज इक्वेटिंग, है ना. देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस मींस कि हैप्पीनेस इज बीइंग टेकन एज अ गोल और यू कैन से डेस्टिनेशन. एंड देन हैप्पीनेस इज द पाथ, है ना, वो ही पाथ है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस. सो दे यहां पे दे आर इक्वेटिंग हैप्पीनेस विद अ प्रोसेस. हैप्पीनेस इज द पाथ मींस आपका जो हैप्पीनेस इज द प्रोसेस, है ना. इनमें अंतर क्या है? द डिफरेंस इज आईएएस बनना इज योर गोल, बट दिस होल प्रिपरेशन इज योर प्रोसेस, है ना. अब आप आईएएस बन के फाइनली खुशी मिलेगी, इस प्रोसेस में भी आपको साथ साथ खुशी मिलेगी. ठीक है ना. मतलब ठीक है, डेस्टिनेशन इज ब्यूटिफुल, बट दिस जर्नी इज ऑल्सो इक्वली ब्यूटिफुल. सो एसे इज सेइंग दैट हैप्पीनेस शुड नॉट बी द एंड गोल. ठीक है, यू इंजॉय द प्रोसेस एंड फाइनली यू विल बी हैप्पी, है ना. आपका जो है यू लिव इन द मोमेंट. हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना. वट यू थिंक, हाउ यू डू योर एक्शंस, ठीक है, वट इज योर थॉट प्रोसेस, है ना, हाउ यू डू योर थिंग्स, सो दैट मेक्स यू हैप्पी रादर देन आपका जो एंड गोल. ठीक है, दैट इज वॉट इट इज सेइंग कि डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली थिंग्स. डोंट थिंक कि ये करने के बाद हैप्पीनेस आएगी. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई हैप्पीनेस इज नॉट द गोल, व्हाई द प्रोसेस. यस, हैप्पीनेस इज वेयर यू आर नॉट अंडर स्ट्रेस, यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, है ना. यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू आर काम एंड यू आर यूजिंग योर फुल पोटेंशियल. ठीक है, दैट इज हैप्पीनेस. प्लीज, यस यस, या एग्जाम्पल आप बोल रहे थे. हम्म,
हाँ तो ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ना. हर एंड गोल इज टू सी हर बेबी कमिंग आउट. इट्स अ प्रोसेस. वो आपको मतलब ठीक है, द प्रोसेस है ना, प्रोसेस जो इसमें क्या है. देखो अभी पूरा तो ऐसे होने दो, आपका क्वेश्चन आपका भी डाउट यहां पे क्लियर होगा. ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. ठीक है, एंड जर्नी इज नेवर अ वेरी स्मूथ और रोजी जर्नी ऑलवेज. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपको पूरे साल आप तैयारी कर रहे हो, क्या बहुत स्मूथली आप कभी ऊपर है कभी नीचे है, बट फिर भी आप उसको किसी भी तरह अपने आप को बैलेंस करके एंजॉय कर रहे हो. बिकॉज अल्टीमेट सी व्हाई हैप्पीनेस इज नॉट शुड नॉट बी द गोल एंड व्हाई द प्रोसेस. वन थिंग इज व्हेन यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर 100% टू इट. ठीक है, व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस, When you enjoy reading say history, आप पूरी जान लगा देते हो उसको समझने में. पर जिस चीज को आप समझ, जो आपको अच्छा ही नहीं लगता है, आपको मान लो मैथ्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, आप उसमें जान भी नहीं लगाते हो. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका गोल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है. ठीक है, प्लस गोल जो है, गोल इज जस्ट अ मोमेंट्री थिंग, है ना, वो एक मोमेंट्री थिंग होता है, लेकिन प्रोसेस इज अ लॉन्ग थिंग, है ना. आप जैसे होता है ना कि हम क्रिकेट मैच जीतेंगे जीतेंगे, ठीक है, बट प्लेयर्स एंजॉय द होल प्रोसेस. मिलता है उस मोमेंट के लिए आप खुश हो, लेकिन बाद में वो याद करते हैं आप देखो कि भैया ऐसा किया हमने, वैसा किया हमने. ठीक है, तो हैप्पीनेस शुड बी द प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज सी गोल इज समथिंग जो आपका जो है मोमेंट्री होता है. गोल जब आप रीच करते हो, ठीक है, आप जैसे पहला आप रिजल्ट निकलता है आईएएस का, शुरू के एक हफ्ते तक सब बहुत खुश होते हैं, उसके बाद जो है वो वापस मतलब ठीक है मिल गया हो गया, यू हैव अचीव्ड इट, चलो खत्म हो गया. बट द होल प्रोसेस है ना, दैट गिव्स यू दैट हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस शुड बी द, बिकॉज यू कैन नॉट सी, कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली थिंग्स. वर्ल्डली थिंग हैप्पीनेस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, है ना. वर्ल्डली थिंग जो में आप अगर हैप्पीनेस ढूंढते हो तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है वो. ठीक है, सो एक्चुअली हैप्पीनेस इज विद इन. ठीक है, हैप्पीनेस इज नो पाथ, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. ठीक है, सो व्हाई यू शुड एंजॉय द प्रोसेस, व्हाई यू शुड नॉट टेक हैप्पीनेस एज अ गोल. बिकॉज समटाइम्स वॉट हैपन्स इज यू आर नॉट एबल टू अचीव द गोल, यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड, बट फाइनली unfortunately because of any xyz reason we are not getting our name in the list. So you don't know, future is uncertain and it's there are external factors and internal factors. So you can control the internal factors but you cannot control the external factors. ठीक है, so अब अगर आप उस goal के लिए wait कर रहे हो कि वो मिलेगा तब खुश होंगे, life तो आज निकल रही है ना. This is you have to live in the moment, है ना. कल क्या होने वाला है, गोल मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आपने 100% ट्राई किया, बट देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो. लाइक से फॉर एग्जाम्पल टूडे आई एम गोइंग टू यूपीएससी टू राइट द एग्जाम. पूरे साल तैयारी की, जाते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, दैट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई कुड नॉट राइट इट, सो दैट वॉज एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, सो हैप्पीनेस शुड बी द प्रोसेस, इट शुड नॉट बी द एंड गोल, है ना. तो ये कह रहा है कि हैप्पीनेस जो है वो आपका डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, यू इंजॉय द प्रोसेस. वाई? बिकॉज द प्रोसेस, वेन यू इंजॉय द प्रोसेस यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट टू इट, यू आर यूजिंग ऑल योर पोटेंशियल टू इट, यू आर लिविंग इन द मोमेंट ऑल्सो, यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. ठीक है, जब आप पूरे प्रोसेस को आप इंजॉय करते हो तो यू फाइंड यू आर इन टू द फाइनर डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो, विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव इट. बट इफ यू आर नॉट इंजॉइंग द प्रोसेस तो डेस्टिनेशन तो नहीं मिलेगा ना. सो हैप्पीनेस, डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन द गोल, रादर ट्राई टू इंजॉय द प्रोसेस विच विल लीड यू टू गोल. बट द पॉइंट इज कि क्या खाली गोल कभी हैप्पीनेस नहीं देता क्या? हैप्पीनेस शुड नॉट बी द डेस्टिनेशन, इट शुड बी. इसको एंटीथेसिस भी किया जा सकता है ना. अब क्या हमारा हैप्पीनेस जो है क्या वो डेस्टिनेशन जाकर के नहीं मिलता? मिलता है. हमने जो है चंद्रयान लॉन्च किया, जब लॉन्च कर दिया तो हमें खुशी मिली, ठीक है, वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑल्सो,
ठीक है, हम पूरे साल मेहनत की, हमने वर्ल्ड कप जीता, हमें खुशी मिली, ठीक है। साइंटिस्ट सारे साल लगे रहते हैं, ठीक है, कई सालों तक लगे रहते हैं, बट व्हेन आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया अपना, तो ही वाज हैप्पी टू अचीव इट, ठीक है। आपके आर्मी मैन लड़ाई करने जाते हैं एंड व्हेन दे गेट द विक्ट्री तो वो खुश तो होते हैं। तो इट वी कैन नॉट से कि नो इट्स नेवर अ गोल ऑल्सो, इट इज गोल ऑल्सो, ठीक है। गोल ऑल्सो गिव्स यू हैप्पीनेस, बट द पॉइंट इज द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ हैप्पीनेस इज द प्रोसेस, ठीक है। डोंट रन अराउंड द वर्ल्डली थिंग्स, है ना। यूएस को लगा कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, बट वट यू सी इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, ऑल द बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर डूइंग नॉट गुड इन योर हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। सो हैप्पीनेस जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एंड चीज से मिलेगी। सो इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, that is what the essay is saying, ठीक है। Enjoy each and every moment, that is what the essay is talking about. Now the question is ki why people are looking for happiness in the goal, why don't they enjoy the process? Destruction. Kaise? See, what happens is our definition of happiness today has become very shallow. We find happiness in consumerism. We find happiness in buying a very big car. We find happiness is buying a latest Apple phone. You know, we find happiness in worldly things. So our definition of happiness has become very shallow. You know, and we are in a world where we are in a world of show off, ठीक है, we want to show we have achieved this, this goal is giving me happiness. So that is why हमारा जो है we are not enjoying the process, and then today we have become so impatient that we are just looking for quick results, है ना। we are looking for quick results, so that is why we are not enjoying the process. सबको क्या यार जल्दी बताओ, जल्दी से हो जाए, ठीक है, ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, बस ultimately ये काम हो जाए मेरा, that is what is our attitude now, है ना। so that is what it is commonly observed everywhere. so our happiness definition has become very very materialistic, our happiness definition has become very very consumeristic, we have no patience also to enjoy the process, we are only looking for the end result. iska impact kya ho raha hai, है ना, वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि if we do not enjoy the process and we look for only the end goal. So if you are not able to achieve the end goal, because end goal is not always in your hand, because it is external and internal factors both play their role, and because of this, ठीक है, because of our definition of this kind of happiness, today what we are seeing in the world, people are not happy. More than 55% of the population in the world is having one or the other form of mental stress. Today, like we have seen that Ernst & Young's employee, है ना, last week only Pune mein she committed suicide. किस लिए? क्योंकि end goal है भैया, हमें बहुत ज्यादा achieve करना है. So what is happening? Because our definition of happiness has changed. ठीक है, so that is what, है ना, we are under stress. And we are looking for happiness from the perspective of materialistic gains. So not only individuals, you can give example of countries also. Countries are attacking each other. Countries are attacking each other for resources. ठीक है, what is happening? कि भैया ये resource मेरे कब्जे में आ जाएगा, इस area में, Indo-Pacific में मेरा influence हो जाएगा, तो I'll be very happy. So what is happening ultimately? It is leading to chaos. It is leading to law and order problem internationally. है ना, fight is over resources, fight is over. आपका जो है कि fight क्या हो रहा है भैया, Red Sea पे मेरा control हो जाए, मैं सबसे happy and satisfied country हो जाऊंगी, मेरा influence होगा यहाँ पे. ठीक है, so what all this is leading to?
ठीक है. सो इट्स यू कैन गिव एग्जाम्पल फ्रॉम आपका इंडिविजुअल टू सोसाइटल लेवल, है ना, टू योर ग्लोबल लेवल. सो हैप्पीनेस शुड, यू शुड इंजॉय द प्रोसेस, है ना. इफ यू इंजॉय द प्रोसेस डेफिनेटली आपका यू मैक्सिमम चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू रीच द गोल. ठीक है, दोनों आपको हैप्पीनेस देती है, बट लास्टिंग हैप्पीनेस इज ऑफ द प्रोसेस बिकॉज यू इंजॉय द होल मूवमेंट. लाइक अ पेंटर इंजॉयज मेकिंग द पेंटिंग, है ना. अल्टीमेटली वो पेंटिंग वर्ल्ड की बेस्ट मोनालिसा बन जाती है, तो उसको वो एक ठीक है, वो एक अलग हैप्पीनेस है. बट हैड ही नॉट इंजॉयड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोनालिसा, तो आज आप और मैं मोनालिसा की बात नहीं कर रहे होते. ठीक है, उसी तरह आपके बेथोवन ने जो म्यूजिक बनाया, ठीक है, आपके जो चाहे ए आर रहमान की बात कर लो आप, ठीक है, तो ही हैज इंजॉयड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस म्यूजिक, सो दैट इज वाई फाइनली यू इंजॉय दैट म्यूजिक. ठीक है, उसके बाद वो हिट हो गया म्यूजिक, उनको हैप्पीनेस मिली, बट हैड ही नॉट इंजॉयड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट म्यूजिक और सिम्फनी, ठीक है, तो वो बेस्ट कभी नहीं आता, है ना. किसी की भी बात कर लो आप, साइंटिस्ट अगर वो प्रोसेस को इंजॉय नहीं करते, ठीक है, वो बल्ब बनाने के पहले अगर वो हजार बार फेल नहीं होते, ठीक है, एक बार फेल होकर के छोड़ देते, तो आज हम शायद ऐसे लाइट में नहीं बैठ रहे होते. ठीक है, सो यू शुड इंजॉय द प्रोसेस. एंड तो आएगा, टेक केयर ऑफ द मीन्स, एंड्स वुड बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एसे इज टॉकिंग अबाउट. देन व्हाई टुडे वी आर नॉट हैप्पी, क्या है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज देयर. दिस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, हाउ इट इज इंपैक्टिंग अस एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री और एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, यू कैन टॉक अबाउट इट. देन How to inculcate that value system where people enjoy the process. Happiness ko kaise enjoy karna? So first, we should understand the real meaning of happiness. ठीक है, वो हमें कहाँ से आएगी? वो आपका education, right from your family value system. बिकॉज हमारे फैमिली में हमें शुरू में सिखाते हैं, जब बच्चा खाना सीखता है कौन पहले फर्स्ट खाएगा, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, तो यहां से ही आपको कि हैप्पीनेस इज व्हेन यू आर बिकमिंग फर्स्ट. ठीक है, किसको कितने अच्छे नंबर आए, ठीक है, वो सब, तो दैट इज व्हाट है ना, दैट काइंड वी हैव टू वर्क अपॉन दिस बिकॉज वी आर डेवलपिंग दैट कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ अ एनवायरमेंट वेयर हैप्पीनेस इज सीन एज अ अचीवमेंट ऑफ समथिंग इन अवर लाइफ, है ना. तो यहां से आपका जो है सजेशंस विच आर वेरी वेरी ऑर्गेनिक सजेशंस, है ना, राइट फ्रॉम योर एजुकेशन सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम, लिव इन द प्रेजेंट, है ना. ये हमें नहीं सिखाते, हमें हमेशा सिखाते. अगर आप आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी लिसन इज यार, पढ़ोगे आज पढ़ लो, आज थोड़ा टाइम लगा लो, कल बहुत अच्छा होगा. ठीक है, तो हमारे को वो हैप्पीनेस कल में सिखाई जाती है. So that kind of education does not only mean school education or institutional education. It is education from the family. आप इस टाइप के practical solutions हम इस पे बात कर सकते हैं happiness के लिए. ठीक है, and then even our government policies should also be in sync with happiness. The countries which are doing good in happiness index, उनके पैरामीटर्स और हमारे में क्या अंतर है, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम हैप्पीनेस के लिए क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, देन वी शुड ऑल्सो लाइक प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन और दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट इन द सजेशन, एंड इट शुड बी समथिंग वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल, है ना, खाली आपके जो है जीएस के पेपर्स के, जीएस के जो आपने टॉपिक्स है उनमें से खाली नहीं डालना, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस बताओ. ठीक है, तो दैट इज वॉट दिस एसे इज टॉकिंग अबाउट, कि हैप्पीनेस इज नॉट, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. मीन्स हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल, बट हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस. तो यू कैन टॉक अबाउट इट, कि प्रोसेस ज्यादा खुशी देता है, गोल नहीं, बट हैप्पीनेस गोल में भी है. हम क्यों काम कर रहे हैं, उस गोल के लिए कर रहे हैं. ठीक है, बट प्रोसेस को इंजॉय करना क्यों जरूरी है, तभी आप गोल अचीव कर पाते हो. ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ही गड़बड़ है. ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यू कैन टॉक अबाउट इट.
फिर कैसे जो है हम हैप्पीनेस का रियल मीनिंग समझ सकें, तो सजेशंस दे सकते हो. जिसको आप बोल रहे फिजिकल हैप्पीनेस चाहिए, वो कंज्यूमरिज्म में उसको मिल रही है, और जिसको इनर हैप्पीनेस चाहिए वो सोल में मिल रही है. एंड वन थिंग अनदर थिंग इज, अगर कोई ऐसे आता है और आपको पता है ये किस, यस इफ यू गेट द ऐसे एंड इफ यू नो हु हैज गिवन दिस कोट, डोंट राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज दिस इज नॉट योर एथिक्स पेपर वेयर दे आर राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द कोट. दे वॉन्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. दे डोंट वॉन्ट प्लेटो ने क्या बोला, सोक्रेट्स ने क्या बोला, किसने क्या बोला. दे आर लुकिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोट. अगर आपको पता है किसने दिया है, यू कैन मैंशन द नेम, एक दो लाइन में मैंशन कर दो, है ना, बट डोंट ट्राई टू राइट द एसे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द कोट. दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज कोट्स इन योर पेपर फोर एंड एसे पेपर. ऐसे पेपर में आपसे आपका व्यू पूछते हैं, और एथिक्स के पेपर में वो नाम दे करके पूछते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस. तो रिक्शा चला रहा है वो अपने अपने आप में सेटिस्फाइड है. अगर वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज ही इज हैप्पी. एंड वहीं पे आपके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मेंटल टेंशन है, डिप्रेशन है, सुसाइड कर ले. सीसीडी के जो आपके जो थे ओनर, उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो दैट इज व्हाट द एसे इज सेइंग ना, कि हैप्पीनेस इज विद इन. आप चाहे रिक्शा चलाओ, चाहे आप पत्थर तोड़ो, या चाहे आप सीसीडी जैसा ऑर्गन, मतलब आप कंपनी खोल लो. कई सारे बिजनेस आप देखोगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन अक्सर जो है सुसाइड कर ले रहे हैं आज के टाइम पे, बिकॉज हैप्पीनेस का डेफिनेशन इज डिफरेंट. बट एट द सेम टाइम, तो क्या अगर हमारा हैप्पीनेस गोल नहीं है, ठीक है, तो क्या वी शुड नॉट थिंक हाई? शुड वी नॉट हैव एस्पिरेशंस? यस वी शुड हैव एस्पिरेशंस, वी शुड हैव गोल्स, बट डोंट अटैच योर इमोशंस टू दैट. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट, कि शुड वी नॉट हैव, देन क्या हम बिल्कुल संत बन जाए, हम कोई एस्पिरेशंस नहीं रखें? आप रखो एस्पिरेशन, बट डोंट अटैच योर इमोशंस टू इट. जो निष्काम कर्मा जो हमारी फिलॉसफी बोलती है, ठीक है, डोंट अटैच योर इमोशंस टू इट. यू एंजॉय द प्रोसेस एंड वट एवर कम्स एक्सेप्ट इट. एंड इन द प्रोसेस इटसेल्फ इज अ लर्निंग थिंग, है ना. वट एवर यू हैव लर्न दैट यू एंजॉय. यू हैव योर ड्रीम्स, यू हैव योर ड्रीम्स, यू हैव योर गोल्स, बट डोंट अटैच योर इमोशंस टू इट, बिकॉज थिंकिंग स्मॉल इज ऑल्सो अ सिन. दैट इज वॉट डॉक्टर कलाम हैज सेड, कि आप छोटा सोचना भी सिन है. आप बड़ा सोचो, आप हैप्पीनेस के लिए बड़े बड़े गोल्स रखो, बट डोंट अटैच योर इमोशंस टू इट. प्रॉब्लम वहां है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, तो कई एंगल्स से वी कैन थिंक ऑफ दिस, ठीक है. इवन आप देखोगे, आपको कुछ साल पहले दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन इन योर एथिक्स पेपर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज हैप्पीनेस, ठीक है. तो हैप्पीनेस इज वन एरिया जिसके अराउंड यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस दो ही जगह या तीन जगह पे पूछ सकता है, सोशल इश्यूज में, एसे में, एथिक्स में. एंड दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच इज द वर्ल्ड इज फेसिंग, है ना. तो दैट इज व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग यू रिपीटेडली ऑन दिस थीम्स, इवन इन योर एसे, इवन इन योर एथिक्स एंड सोशल इश्यूज में भी. सोशल मीडिया का डिप्रेशन का क्वेश्चन पूछा है आपसे ऐसे में, ठीक है. सो ट्राई टू फाइंड आउट, जो मेनी टाइम्स आई हैव बीन टेलिंग दिस इन द क्लासेस आल्सो, द थीम्स और द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट और विच आर कंसर्न्स फॉर अस टुडे एज अ सोसाइटी एंड विच विल बी इंपैक्टिंग अस फॉर अनदर 30-40-50 ईयर्स, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड दैट. तो हैप्पीनेस इज वन एरिया. आप अपना एथिक्स के क्वेश्चंस उठा के देखो, हैप्पीनेस के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं पिछले कई सालों में. यू कैन राइट इन दिस वे कि व्हेन यू आर अचीविंग स्मॉल स्मॉल गोल्स, ठीक है, फिर आपको समझ में आता है. जैसे जैसे आप देखोगे, कई जितने भी आप हमारा देख लो, जैसे राजा राम, ठीक है, फिर आप बुद्ध की बात कर लो, बिकॉज दे हैव गॉट दैट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड देन दे रियलाइज कि नो, हैप्पीनेस इज बियॉन्ड दिस, ठीक है. देन द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, देन ही रियलाइज देर आर सो मेनी. लाइक न्यूज पेपर्स में भी आप कई बार पढ़ते होंगे कि जैनिज्म में कई सारे जो है पीपल हैव लाइक
वेरी वेल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कॉर्पोरेट के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ एंड दे हैव गिवन अप एवरीथिंग एंड दे हैव गॉन इनटू सेंटहुड.